गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद साक्षी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड मुझे काफी ज्यादा डीएम्स एंड कमेंट्स आ रहे थे कि मैं टीसीएस एनक्यूटी के ऊपर वीडियो बनाऊं। सो यस, मैंने अभी ये बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ प्रिपेयर करी है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। हम इस वीडियो में सेक्शन वाइज सेक्शन चलेंगे। पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि टीसीएस एनक्यूटी है क्या, इसमें जाने के क्या एडवांटेजेस हैं एंड दूसरा कि कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा एंड इसके थ्रू आप डिजिटल कैसे क्रैक कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई होप आप सब इसे जानना भी चाहेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे, तो मेक श्योर आप कोई भी पार्ट मिस ना करें बिकॉज एवरी पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई मैं इसमें ज़्यादा जोर डाल रही हूँ कि आप हर पार्ट को अच्छे से देखें एंड समझें कि टीसीएस एनक्यूटी एक्चुअली है क्या एंड देर इज़ अ कोट दैट वन टेस्ट एंड थाउजेंड ऑफ जॉब्स, तो ऐसा क्यों बोलते हैं इसके लिए। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वॉट इज टीसीएस एनक्यूटी, क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट है वीडियो का। सो टीसीएस एनक्यूटी इज टीसीएस नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट, और जो मैंने ये बात बोली वन टेस्ट एंड थाउजेंड ऑफ जॉब्स, तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। वाई? बिकॉज जब आप ये टेस्ट देंगे तो उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड वंस यू गॉट द स्कोर कार्ड, तो आप उस स्कोर कार्ड से मल्टीपल कंपनीज जो टीसीएस के साथ इस ड्राइव में कोलैबोरेटेड हैं वो आपको लिंक पे पता चल जाएगा। लाइक बहुत सारी अलग अलग कंपनीज लाइक एम्फेसिस, इन्फोसिस, टीसीएस एंड बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो इस प्रोग्राम में टीसीएस के साथ कोलैबोरेटेड हैं एंड ये जो स्कोर कार्ड है वो 2 ईयर्स तक वैलिड है। ठीक है, तो आप इस स्कोर कार्ड के थ्रू अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप मल्टीपल यू नो कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये स्लोगन आया है या आप कोट कर रहे हैं कि वन टेस्ट इन थाउजेंड ऑफ जॉब्स। सेकंड, अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये एग्जाम कौन कौन कैंडिडेट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 2018 से 2023 और 2024 के जितने भी पास आउट है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड, द मोस्ट एंड आई वुड से द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्राइव इज यू डोंट नीड टू बिलोंग टू अ सर्टेन यू नो डिग्री ग्रेजुएट, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि आप अगर आप बीटेक के हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीएससी के हैं तभी आप अप्लाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्राइटेरिया सेट कैसे करेंगे कि कौन किस एग्ज़ाम में यू नो कौन कौन सा क्राइटेरिया बैठ रहा है, कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जो इन्होंने यहाँ पर दिया है वो दिया है वेरियंट्स। तो वेरिएंट्स क्या होते हैं आपके लिए, इन लोगों ने मान लीजिए एक पैकेज बनाए हुए हैं आपकी डिग्री, आपके लर्निंग, आपके स्किल्स के हिसाब से। तो मान लीजिए अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी एक आईटी वाला पैकेज देख लीजिए जिसमें आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि इस एग्ज़ाम में इसमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी, लाइक कोडिंग, सीक्वल स्टेटमेंट्स और एप्टीट्यूड टेस्ट आएंगे, तो वो सारी चीज़ें उस पैकेज में मेंशन होगी। सिमिलरली अगर कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट आता है तो उनके लिए एक डिफरेंट पैकेज है उनकी डिग्री के हिसाब से एंड उनकी स्किल्स के हिसाब से। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी डिग्री से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर लिखा गया है कि यू नो ये टेक्निकल स्टूडेंट दे सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड अगर आपको वो चीज़ें आते हैं तो आप वो वेरिएंट चूज़ करके भी अपना एग्जाम दे सकते हैं जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगना है। बट वेरिएंट ऐसा चूज़ करिएगा जिसमें आप एक्सेल कर पाएँ, मतलब जो आपको आता हो, ठीक है, जो जिसकी आपको नॉलेज हो, जिस बैकग्राउंड से आप पढ़े हुए हो, ताकि उसको क्रैक करने में आपको ईज रहे। ठीक है, थर्ड जो मेन टॉपिक है जो सबके माइंड में रहता है वेदर इट इज़ पेड और नॉट, सो येस इट इज़ पेड एंड हर एक वेरिएंट का आई गेस अलग अलग प्राइजेज है, तो आपको अपना कोई भी एक वेरिएंट चूज़ करना है, उसके बाद आपको उसकी फ़ी सबमिट करके आपको अपना स्लॉट बुक कराना है। तो वैसे ही आप जैसे आपका फ़ी पेमेंट होगा तो आपका वहाँ पर पूरी डिटेल्स चल जाएंगी और आपके लिए एक स्लॉट बुक हो जाएगा। और मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता ही चुकी हूँ, जो 2018 से लेकर 2024 के पास आउट है वो इस ड्राइव के लिए एलिजिबल है। ऑल्सो जो कैंडिडेट्स अपना फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं या दे चुके हैं वो भी इस ड्राइव के लिए एलिजिबल है। कोई भी डिग्री से आप बिलोंग करते हो, कोई उसमें कोई वो नहीं है, उसका यू नो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड, वर्किंग प्रोफेशनल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बट उनका एक्सपीरियंस शुड नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स। तो आपका अगर 2 साल तक एक्सपीरियंस है और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी आप इस ड्राइव में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट डेट के बारे में। टेस्ट डेट जो इसकी है वो है 15th of July एंड जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 4th of July। तो 4th of July से पहले आप प्लीज़ अपना यू नो वेरिएंट बुक कर लीजिए, जो भी आपको लगता है कि वेरिएंट अपने अकॉर्डिंग अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बुक कर लीजिए एंड उसके बाद आपको सारी डिटेल्स आपको मेल में आ जाएगी एंड यहाँ पर 15 जुलाई में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा।
कमिंग टू दैट, आपको यहाँ पर जैसे ही लिंक में आप जाएंगे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन सी कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो MNCs हैं वो इसके साथ TCS में इस ड्राइव के साथ कोलैबोरेटेड है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनका जो हाईएस्ट पैकेज इस ड्राइव के थ्रू है वो है 19 LPA जो ऑफर्ड हुआ है कैंडिडेट्स को। एंड अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वहाँ पर आपको कैंडिडेट्स भी दिखेंगे जिन्होंने अपना यू नो एक्सपीरियंस डाला हुआ है या जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं इस ड्राइव के थ्रू। सो आई वुड सजेस्ट कि 500, आई नो किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बट आई वुड से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ज़रूर एक कोई ना अपने अकॉर्डिंग एक वेरियंट चूज़ करके आप ज़रूर ये एग्जाम दीजिए, बिकॉज वी नेवर नो कि आपके लक में क्या लिखा है, क्या पता आपका you know, इसके थ्रू डिजिटल क्रैक हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपके सबके मन में ये डाउट होगा कि डिजिटल क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके टेस्ट पैटर्न के बारे में एंड एग्जाम के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको इन शॉर्ट कि आपको पहले अप्लाई करना है, फिर आपका एग्जाम होगा, स्कोर कार्ड मिलेगा, उसके बाद क्या आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप यू नो हायर होंगे इन मल्टीपल कंपनीज। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप एग्ज़ाम देंगे 15th of July को, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो भी आपने टेस्ट में करा होगा उसके बेसिस पे आपको मिलेगा आपका स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। वंस यू रिसीव दैट स्कोर कार्ड आपको TCS के थ्रू इंटरव्यू के लिए कॉल्स एंड यू नो शेड्यूल के लिए कॉल आने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द रिक्रूटमेंट टीम्स। तो जैसे आपका कॉल इंटरव्यू होगा उसके बाद you know, आपके दो राउंड्स होंगे HR एंड टेक्निकल। सो अगर आप वो क्लियर कर देते हो इट मीन्स यू आर गुड टू गो, आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आप जाएंगे, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप ये जाएंगे निंजा प्रोफाइल में, ठीक है। एंड इसमें मोस्टली BTech एंड यू नो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल से BTech करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें ये लोग जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि क्या बोलते हैं कि इसके थ्रू आप डिजिटल कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर इसका राज खुलने वाला है। तो जैसे आपका एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली कोई जो टॉप स्कोरर्स होंगे, आई एम फम्बलिंग, जो टॉप स्कोरर्स होंगे उनका जो प्रोफाइल है, उनका स्कोर कार्ड यू नो जस्ट लाइक इफ़ यू स्कोर अबव 80 और 85 तो आपका स्कोर कार्ड आएगा। एंड उसी दिन विद इन द इंटरव्यू आपको बता दिया जाएगा कि आप डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं आफ्टर द इंटरव्यू। तो जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा आपका फर्स्ट एग्जाम के बाद, जो आप 15 जुलाई को एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका एक और इंटरव्यू होगा। एंड वंस यू क्रैक दैट इंटरव्यू तो आप, अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा जाएगा तो आपको वो बोल देंगे कि आप यू आर शॉर्टलिस्ट फॉर द डिजिटल ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम। सो उसके बाद क्या होगा, जब आप डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो कुछ दिन बाद आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इट वुड बी क्वाइट टफ देन द प्रीवियस वन बिकॉज आपको डिजिटल प्रोफाइल मिल रही है, उसका पैकेज भी अलग होगा, ठीक है। एंड इसलिए वो थोड़ा टफ होगा, मे बी इट कुड बी डिपेंड ऑन इनका जो मेन जो होगा उसका, उसमें होगा आपकी कोडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एंड आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज मैंने जितने भी डिजिटल के एग्जाम्स देखे उसमें ये बहुत एम्फेसाइज किया जाता है कि आपकी कोडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो ये डिजिटल में जो ये सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स आर मोस्टली फ्रॉम द BTech कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, जो CS से बिलोंग करते हैं या जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी होती है, जिनके स्किल्स में कोडिंग होती है, तो इसलिए वो डिजिटल कैंडिडेट्स को, डिजिटल कैंडिडेट्स के लिए ऐसे जो कोडिंग्स या बैकग्राउंड जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वंस यू डिड दैट सो आपका एक और एग्जाम होगा आफ्टर द फर्स्ट एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो अगर आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आपका एक लास्ट इंटरव्यू होगा, सिमिलरली आपका यू नो टेक्निकल राउंड एंड HR राउंड होगा। वंस यू आर सॉर्टेड विद दोज यू नो इंटरव्यू राउंड्स देन यू आर गुड टू गो एंड यू विल बी सिलेक्टिंग इन TCS अंडर अ डिजिटल प्रोफाइल। एंड जो अगर मैं इनके पैकेज का डिफरेंस के बारे में आपको बताऊं, तो जो TCS निंजा के थ्रू आप गए थे उसमें आपका अराउंड 3.3-3.5 रहेगा एंड हियर द पैकेज वुड बी अराउंड 7-7.5। तो ये डिफरेंस है बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने के कारण। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है, इट्स अ पेड एग्जाम, सो येस। सेकेंडली जो सबसे बढ़िया एडवांटेज मुझे ये लगा है, जैसे मैंने बोला कि आप बोलेंगे कि अगर मैं डिजिटल क्रैक नहीं कर पाया, इवन दो आई गॉट सिलेक्टेड इन डिजिटल एंड डिजिटल का जो सेकेंड एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर पाया, भले इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, सो डोंट वरी, यू स्टिल हैव दैट सीट इन द निंजा प्रोफाइल। बिकॉज जो डिजिटल के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निंजा से भी आउट हो गए, तो नहीं, आपके लिए निंजा में भी सीट अवेलेबल है। तो वो डिजिटल में सिर्फ आपको इसलिए मिला गया है क्योंकि आपका टेस्ट में जो परफॉर्मेंस था सबसे पहले वाले टेस्ट में वो काफ़ी अच्छा था एंड स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स अच्छे थे एंड
एंड आप शॉर्टलिस्ट हुए थे वो डिजिटल कैंडिडेट के लिए एज अ, ठीक है, बट आपके हाथ से वो निंजा प्रोफाइल नहीं गई है, स्टिल देयर फॉर यू. तो ये सबसे अच्छा एडवांटेज है, अगर डिजिटल नहीं हुआ तो आपके लिए निंजा प्रोफाइल है, बट अगर डिजिटल क्रैक हो गया तो यू आर सॉर्टेड बॉस. सो नाउ लेट मी गिव यू अ स्लाइट आइडिया अबाउट अदर कंपनीज, की अदर कंपनीज कैसे हायर करती है. तो जैसे ही अगर आप मान लीजिए आप निंजा में नहीं हुए या डिजिटल में कुछ रीजन से नहीं हुए या निंजा में आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, तो आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, यू नो, दूसरी कंपनीज में. सो जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल तक ये स्कोर कार्ड आपके पास है एंड इट इज़, यू नो, 2 साल की इसकी एक्सपायरेशन डेट है, 2 साल के बाद इट इज़ नॉट एलिजिबल. उसके बाद क्या होगा, आप जैसे स्कोर कार्ड मिलता है आप मल्टीपल करियर पेज जा सकते हैं, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट कंपनीज विच आर एसोसिएटेड विद TCS फॉर दिस ट्राइब. तो आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं उनके करियर साइट में. ऑल्सो द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू, मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल एंड ऐड दोज थिंग्स, यू नो, जो भी आपने एग्जाम में दिया है, क्योंकि सब लोग मैं देखती हूँ कि वो स्कोर कार्ड पोस्ट करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा, यू नो, जो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखते होंगे कि येस दिस कैंडिडेट हैज़, यू नो, appeared in this exam and cleared it with a very good marks, like 80-85%. तो वहाँ पर जो collaborated companies है शायद वो आपके पास खुद आए. तो I would say make a good नौकरी और LinkedIn profile so that for a better reach, right? And also इससे आपके काफ़ी ज़्यादा jobs के भी, you know, doors आपके लिए खुल जाते हैं. तो ऐसे आप अलग अलग companies में इस जो TCS के साथ collaborated है apply कर सकते हैं. तो गाइज मेरे हिसाब से तो दिस ड्राइव इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो डू अप्लाई इट एंड आई नो इट्स पेड बट इट्स नॉट फेक एट ऑल. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर अप्लाई करें एंड द डिटेल्स विच आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स, यू नो, पिछले साल या इस साल जो अपेयर हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस में मैंने आप लोग के साथ ये पूरी डिटेल वीडियो शेयर करी है. तो आई होप ये काफ़ी रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ ये जिन्होंने भी बताया है ये काफ़ी, यू नो, रेलिवेंट है. एंड आप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. आई वुड इस एग्जाम के लिए अपेयर होना है तो आपको लगेगा कि मैं कैसे क्रैक कर सकूँ, तो यहाँ पर इस अप्लाई लिंक में आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. कुछ फ्री है, कुछ पेड मॉक टेस्ट है, तो आप फ्री वाले मॉक टेस्ट दे सकते हैं अगर आपको पेड वाले नहीं देना. एंड आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप, यू नो, गूगल में देख सकते हैं जो साइट्स, यू नो, आप लोग को, यू नो, ऐसे मटेरियल्स देती है, प्रिपरेशन मटेरियल्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. एंड मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले दीजिए, ताकि आपको ना एक वो रहे, आप आइडिया रहे कि आपने क्या पढ़ा है एंड किस तरह का, यू नो, पढ़ा है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. सेकेंडली कोई भी FAQs है नीचे, अगर आपको कोई भी ड्राइव से रिलेटेड डाउट है वहाँ पर नंबर भी दिया गया है, FAQs आपके क्वेश्चंस पुट करे गए हैं विद योर आंसर्स, तो आप वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. स्टिल आपको कोई डाउट है प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी. आई एम नथिंग विदाउट ऑल योर सपोर्ट, सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. बाय बाय.